सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए रूट बारह, तो इसका आंसर क्या होगा जरा कमेंट कीजिए। 2, 3, 4, 6, चार ऑप्शन आप सामने। तो दोस्तों 12 के कुछ नहीं करना, सबसे पहले 12 के दो फैक्टर अगर करेंगे आप, तो 12 के दो फैक्टर करेंगे तो 3 × 4, 3 × 4 कितना होगा 12, बिल्कुल सही है। और इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है, 4 और 3 का अंतर कितना आ रहा है 1, जो बीच में अंतर 1 आ रहा है और प्लस पॉजिटिव पावर है, ये वाला प्लस चिन्ह है, तो बड़ा वाला फैक्टर इसका आंसर होगा। अगर माइनस हो तो छोटा वाला फैक्टर इसका आंसर होगा। अगला देखिए, √3 + √3 √3 √3 एक्स के किस मान के लिए सही होगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि 3 के जो पावर अगर बनाते हैं अपन, तो 1 × 3 होगा और जिसका अंतर 2 होगा, तो 2 अंतर वाला ऑप्शन अपन नहीं ले सकते। फिर क्या करेंगे, 1 ऑप्शन होना चाहिए, और जो प्लस है तो बड़े ऊपर की ओर जाएंगे, माइनस है तो नीचे की ओर जाएंगे, ध्यान रखना। तो प्लस है तो 3 से आगे की ओर जाएंगे, तो अगर अपन 4 लेंगे तो 4 के भी ऑप्शन 2 × 2 होगा, जो कि अंतर 0 के बराबर है, ये भी नहीं हो सकता है ना। रूट अगर 5 लेंगे तो इसका भी ऑप्शन 1 × 5 होगा, ये भी नहीं हो सकता। रूट अगर 6 लेंगे तो 2 × 3 होगा, 6 अपन ले सकते हैं, 2 × 3 = 6 अपन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो जो मान आएगा 6 अपन ले सकते हैं, ठीक है, √6 अपन ले सकते हैं। और जो प्लस चिन्ह है तो 3 इसका आंसर आ रहा है, अपने हिसाब से कितना आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी इस एक्स का मान कितने किसके बराबर हो रहा है, 3 के बराबर हो रहा है, मतलब 3 का मान, एक्स का मान 3 के बराबर हो रहा है, 3 से कम। देखो यहाँ पहले हम देखेंगे कि एक्स का मान है वो 2 से अधिक है, लेकिन 3 से कम है, 2 और 3 के बीच में, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो सकता है। एक्स का मान जो 2 से अधिक है और 3 से कम है, 3 से कम, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो सकता है। आपके समझ में आ गया होगा, ये चलो लाइक करो, चलो सब्सक्राइब करना बोले। अरे यार।